संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में भारत को स्थानीय सीट की मांग का मुद्दा फिर से उठने लगा है। इसको लेकर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी राय दी है। मस्क ने कहा कि भारत को स्थायी सीट मिलनी चाहिए, साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों में सुधार होना चाहिए। मस्क ने एक्स पर लिखा कि यह बात अजीब है कि भारत के पास यूएनएससी में स्थायी सीट नहीं है। मस्क ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है और सुधार कर भारत को इसका स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर अब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी बुधवार को एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में सुधार के लिए समर्थन की पेशकश की गई है। इससे माना जा रहा है कि अमेरिका अब भारत का स्थायी सीट दिलाने में पक्ष कर रहा है। ऐसा तब हो रहा है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी 5 दिवसीय यात्रा पर भारत में हैं। ऐसी संभावना है कि भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए कदम उठाने को लेकर इस दौरान उन पर दबाव बनाएगा। मस्क ने क्या कहा, आपको बता दें कि एलन मस्क ने एक्स पर कहा कि संयुक्त राष्ट्र निकायों में बदलाव की जरूरत है। समस्या यह है कि जिनके पास अधिक शक्ति है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट न मिलना बेतुका है। मेरा विचार है कि अफ्रीका को भी सामूहिक रूप से एक स्थायी सीट भी मिलनी चाहिए। अब अमेरिका भी अपना सुझाव इसके साथ साझा किया है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में एलन मस्क के बयान के बारे में पूछे जाने पर वेदांत पटेल ने कहा कि राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी टिप्पणी में पहले भी इस बारे में बात की है कि सचिव ने भी इस ओर इशारा किया। हम सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र संस्था में सुधारों का समर्थन करते हैं, सुधार की आवश्यकता है। अब आपको बता दें कि कितने देश हैं स्थायी सदस्य। अभी सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस स्थायी सदस्य हैं। इनके पास वीटो पावर है। संयुक्त राष्ट्र के एक नए सदस्य बनने का अधिकार भी इसी को है। अगर इसमें सुधार होता है तो भारत भी इसका सदस्य बन सकता है। हालांकि भारत इसको लेकर दशकों से कड़ी मशक्कत कर रहा है, लेकिन देखना यह है कि इस बार का फैसला भारत के पक्ष में होता है या फिर नहीं। इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।